ओके दोस्तों, मिलते हैं खाना खाने के बाद आप लोग से, ठीक है? निचोड़ रही है, निकाल लेते हैं इसको। ओके दोस्तों, मजरे के अंदर आ गए हमें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों शुरुआत ही मजरे से फिर, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था ब्लॉग, इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो दूसरा ब्लॉग इसी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, हादी वाशिफ हादी कोई कलामो मी में हादी। दोस्तों पेड़ तो जो लगाया था पहले, बहुत अच्छा लग गया है सब कुछ, ठीक है? मेहनत करते हैं बेचारे, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो अच्छा ही रहेगा। मुझे ये नहीं पता चल रहा है इसका क्या हालत होगी यार। ये भी निकल रहा है फिर चल जा रहा, मालूम नहीं क्या है इसका। ये वाले के पेड़ की बात कर रहा हूँ, ये तेज पत्ता है दोस्तों। उस दिन जो पेड़ लेकर आया था तकरीबन 1 महीने 15 15 दिन पहले, उसमें फल भी आ गए हैं यार। फल तो ऐसे नॉर्मली था ही छोटा छोटा, लेकिन अभी यहाँ से नए तरीके से आ रहा है। ये देखो ये आ गया, बस इससे थोड़ा बड़ा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बड़ा होता ये। मज़ा आता है, खट्टा और मीठा दोनों लगता है इसमें खाने से। दोस्तों यहाँ पे सामान पूरा रेडी था, सामान मतलब जैसे सब्जियों में सब काट पीट के पहले से रखे थे। बस ये बेचारे इन लोग खुदाई उदाई करके रखे हैं, कुछ डालेंगे हो सकता, धनिया है जो भी है। ये कहा हुआ बे? हाँ ये मिर्ची हरी वाली, मतलब नहीं तीखा है कि नहीं है। भिंडी पूरी टाइट हो चुकी है, इन लोग यार एक बार भी नहीं तोड़ के दिया घर ले जाने के लिए। यार मैं इधर तो आता ही नहीं था, देखा ही नहीं। तो भिंडी देखो पूरी टाइट हो चुकी है, ज्यादा दिन को हो गई है। अब इन लोगों ने क्या किया, तोड़ा ही नहीं। वो देखो ये तो बुर्ज खलीफा की तरह क्यों खड़ा होके जा रहा है, ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। इधर पूरी भिंडी देखो वैसे ही खराब हो गई, एक बार भी मैं नहीं लेके गया। ओके दोस्तों सब्जी भी रखवा लिया हूँ, बस अब पहले खाना खाते हैं। यहाँ छाव में कहीं देखो गाड़ी पार्किंग करके वहीं पे खाऊं। घर तो है, चाबी भी है, लेकिन जो मजा बाहर बैठ के खाने में मजा आया ना, वो घर के अंदर नहीं है साहब। ओके दोस्तों ये मेरा रहा खाना आज दोपहर का, मुर्गी चावल है जो कि खपसा यहाँ पे बोलते हैं, पेप्सी है और लस्सी है और जूस है, इधर ये चटनी ऐसे मिलता है, यहीं पे ऐसे खड़े होके खाएंगे, नज़ारा भी लेंगे, चिड़ियों की चकचकाहट भी बड़ी अच्छी लगती है। दोस्तों मिलते हैं खाना खाने के बाद आप लोग से, ठीक है? ओके दोस्तों खाना तो हो गया, खा लिया, क्योंकि अब सामान रखना है और तुरंत रियाद निकलना है, काफ़ी समय भी हो गया। ओके दोस्तों दिखाएंगे कभी मजरा का टूर कराएंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम नहीं है यार। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके दोस्तों रिक्वेस्ट है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कुछ आता नहीं है, कर दोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा भी रहेगा, और जिसने किया है उन लोग को सलूट है, जिसने नहीं किया है प्लीज़ यार कर दो। सब्जी बनाऊंगा पनीर का आज, क्योंकि आज सुबह ही ला के मैं रखा हूँ। यार मजरे माँ के ना थोड़ा सुकून मुझे जब मिलता है, कब जब चिड़ियाँ चकचकाती है ना, मज़ा ही कुछ आ जाता है यार। इस नींबू को हालत किसने किया खराब, इतना मस्त पेड़ था, लगता है इस खजूर में कीड़े लग गए थे, तो मजदूर लोग ने काट के निकाल दिया इसको। साथ साथ में नींबू का पेड़ भी गिरा दिए इन लोग, नींबू मस्त फरा था। देखो थोड़ा खाए हैं तो यार टहल लें, सोच रहे हैं पच जाएगा, क्योंकि अभी पनीर जाके बनाना है तो उसको भी ठुसना है।
यार पनीर लेकिन महंगा मिलता है भाई साहब यहाँ पे सऊदी में। आज सुबह आधा किलो लेकर आया मैं 25 रियाल का, कम से कम 500 रुपये तकरीबन पड़ गए, ज़्यादा ही पड़ा होगा हो सकता है। अगर पनीर अच्छा बन जाएगा तो पैसा वसूल है, अगर ख़राब बना तब तो भाई क्या ही कर सकते हैं। अनार की हालत, चिड़ियाँ करती हैं कि ऊपर से ही निकल जाता है क्या, बम की तरह उड़ जाता है क्या ये अनार? मुझे लग रहा है चिड़ियाँ ही करती है क्योंकि इसके चोंच भी है ना अंदर तक मारे, ऐसा ना हो जाए पक जाता है और फिर बम की तरह उड़ जाता है ऊपर से, जैसे वो दोनों, ये दोनों भाई है ना, एक दूसरे को सो रहे हैं लगता है यार इन लोग, कोई मुंह उधर करके सो रहा है कोई उधर मुंह करके। दोस्तों ये जो खाना बचा था एक्चुअली मैंने डाल दिया, तो बिल्ली आई यहाँ पे, ये जंगल में भी बिल्ली है देखो, बढ़िया खाए लो ने पीट पीट कम कहा भाव दे अगली बार। आय हाय जितना मजा मैं लिया उतना ही मजा वो भी बेचारी पा रही है। ओके दोस्तों भाई सब जा रहे हैं उस गोडाउन में, खजूर है, खजूर रखवाता हूँ गाड़ी में, फिर निकलते हैं रूम पे। एक दोस्त बैठा है मेरे गाड़ी में, एक्चुअली मैं उसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि जैसे आप लोग को बता रहा हूँ, बार बार बताया हूँ, इन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यार मज़ा आ जाता है इन लोग साथ बात करने का। करे शादी उदी हो गई है तेरी? शादी हो गई है भी नहीं? खलास जवाज वाला लिस्ट है लेकिन जवाज गलत है कि ना तो मार जी जी वो ना लिस्ट है वो निकाह खला हूँ। निकाह खलास। हाँ कोई ओके दोस्तों ये फ्रिज है बहुत बड़ा है, यहाँ पे वो कंपनी से खजूरे बनकाई है कार्टूनों पैक होके। एक्चुअली मैं आज एसी चल रहा है इधर, ठंडे के लिए रखा हुआ है इधर, ख़राब ना हो जाए। इधर भी है, इधर भी है पूरा। एक्चुअली मैं 100 कार्टून ले भी जाना है, इन लोग लोड कर रहे हैं, देखो आज कहाँ पे उतारना पड़ता है। ये खजूर सबसे बढ़िया है, ये वाले नाम सगई है इसका, बाकी ये सब खजूर बचा हुआ है अभी कंपनी में नहीं दिया है, इतना सब बाकी है, ये सब बाद में जाएगा हो सकता है। दोस्तों ये खजूर लद गया पूरा, देखो ये पूरा पैक कर दिया ऊपर ताई गिरे ना। ओके ओके दोस्तों ये मेरे कफिल का ही दुकान एक है, ठीक है बड़े में है, क्योंकि इसके पीछे भी जो देख रहे हैं डोर ना उसके पीछे भी है, आप लोग देखते होंगे ये पूरा बीज है, देखिए। ओके दोस्तों यहाँ का तो पूरा काम समेट गया है, अब रियाद जा रहा हूँ क्योंकि देखो पूरे खजूरे अंदर बाहर पूरे खजूर खजूर भरे हैं। ओके दोस्तों तो अब निकलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट रूम पे। ओके दोस्तों ये जो देख रहे हैं राइट साइड में काफ़ी बड़ा ये किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल गार्डन बन रहा है, देखो कब तो बन जाता है, ये किंग अब्दुल्ला के नाम से है। ओके दोस्तों ये फ्राई पैन में रख दिया हूँ, थोड़ा गर्म होने दो फिर तेल डालते हैं। ओके दोस्तों पनीर डालता हूँ, पीस कटा कटा मिलता है ऐसा, सब कटे रहते हैं पीस चौकोन में। दोस्तों जब तक ये फ्राई हो रहा है इधर मटर भी रख देता हूँ थोड़ा उबालने के लिए, उबल जाएगा थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों थोड़ा थोड़ा लाल होने चालू हो गया है, इसको एकदम लाल कर दूंगा। ओके दोस्तों बस इससे ज़्यादा अब नहीं करना है क्योंकि जल जाएगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, अब निकाल लेते हैं इसको। इधर मटर भी उबल गया है, अब इसको भी बंद करते हैं,
वो निकालते हैं अभी इसको भी। ज़रा गोभी भी फ्राई कर लेता हूँ। ओके तो ये फ्राई होने दे रहा हूँ तब तक, बस इतना ही फ्राई करना है मुझे। जो तेल बचा था फ्राई होने के बाद वही तेल मैं यूज में ले रहा हूँ। जीरा और काली मिर्च से प्याज अब प्याज काफ़ी हद तक हो गया है। अब इसमें ऐड करता हूँ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ओके दोस्तों, जो मटर उबाला था अब डाल देता हूँ इसमें। ओके दोस्तों, अब ज़रा टमाटर डाल दूँ इसमें, एक टमाटर छोटा सा था। अब इसमें डालता हूँ मसाला। मसाला जले ना इसके लिए थोड़ा पानी डालूंगा पहले। दोस्तों अब पनीर डाल देता हूँ इसमें, बस थोड़ा सा चला देना, बस थोड़ा चलाऊंगा, पानी डाल के बंद कर दूंगा क्योंकि गोभी टूट जाएगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा फिर। अब ढक देता हूँ, क्या माहौल है। अरे है, स्मेल तो अच्छी आ रही है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ हीटर को, बस इसे खुले ही छोड़ देता हूँ 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडा नॉर्मली हो जाए फिर इसका स्वाद लेता हूँ मैं। ओके दोस्तों, रोटी जो है यहाँ पे सऊदी में ऐसे ही मिलता है। दोस्तों ये पनीर रेडी है, स्वाद में तो कोई कमी नहीं है, मस्त बन गया। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, स्वाद तो मजा गाड़ दिया। ठीक है अब खाते हैं, अभी तो मैंने स्वाद ही लिया था, अभी बैठ कर आराम से खाएंगे। अगर दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।